वेलकम टू संडे टेक ट्रेंड नंबर 4। यहाँ पर मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ देने वाला हूँ, जैसे कि Redmi Note 8 Pro के बारे में, Realme 5 Pro के बारे में और OnePlus 7T Pro के बारे में। प्रो हो यार, कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। और भी आपको बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ देने वाला हूँ WhatsApp के अपकमिंग फीचर्स वगैरह के बारे में। तो बहुत सारी न्यूज़ मिलने वाली है इस वीडियो में, तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं कीवर्ड। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो वो है Redmi Note 8 और Note 8 Pro के बारे में। तो अभी जो चाइना में जो Redmi है उसने अपने Vivo पे उसने एक पोस्ट डाली है जिसमें वो बता रहे कि वो 7 अगस्त को जो है वो अपना फ़ोन एक फ़ोन के बारे में जो है वो अनवील करने वाला है, जिसमें आपको क्वेड कैमरा भी मिलने वाला है, 64 मेगापिक्सल का आपको कैमरा भी मिलने वाला है। ऐसा मैंने उसको डिकोड करा है, वैसे उसमें टीज़र में कुछ ऐसे टीज़ करा गया था, तो उसको डिकोड करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चाइना में जो है वो इसको शोकेस करा जाएगा, शायद ये फ़ोन लॉन्च हो जाए या फिर उसके बारे में बताया जाएगा। तो मेरे हिसाब से उसके बारे में बताया जाएगा जैसे कि रियलमी करने वाला है 8 अगस्त को। तो Xiaomi जो है वो उसको ही फॉलो कर रही है, शायद उसने सोचा कि इंडिया में उसको अनवील करने से पहले हम उसको शोकेस कर देते हैं 64 मेगापिक्सल वाले कैमरे को, क्योंकि रियलमी भी जो है वो 8 अगस्त को इंडिया में अपने फ़ोन को अनवील करने वाला है। मतलब उसका मतलब कुछ फीचर्स वगैरह दिखाएगा, जैसे कि उसमें क्वेड कैमरा मिलने वाला है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, उसके कैमरे वगैरह के फीचर्स के बारे में बताएगा, शायद फ़ोन का नाम भी बता दे या फिर ना बताए। लेकिन वो फ़ोन जो है वो रियलमी 5 प्रो हो सकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, पीछे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है इसके बारे में, आपको लास्ट में दिख जाएगी, उसमें आपको और डिटेल्स मिल जाएगी। और आज माधव सेठ जो है उन्होंने भी अपने जो नेम है उसके बाद में उन्होंने लिख रखा 5 और लिख रखा है क्वेड। तो 5 मतलब 5 सीरीज और क्वेड मतलब क्वेड कैमरा, और क्वेड कैमरे में आपको 64 मेगापिक्सल मिलने वाला है, ये कंफर्म्ड है, पहले भी टीजर से हमें पता चल गया। तो सभी को मिलाकर ये कंफर्म्ड हो रहा है कि रियलमी 5 प्रो में आपको क्वेड कैमरा मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का, और जिसके कुछ फीचर्स जो है वो आपको 8 अगस्त को दिखाए जाएंगे। और इसी तरह भाई रेडमी नोट 8 प्रो में भी आपको यही स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं कैमरे के, मतलब 4 कैमरे मिलेंगे और 64 मेगापिक्सल, जो कि आपको 7 अगस्त को इसके बारे में बताया जाने वाला है। फ़ोन के नाम अभी किसी कभी कंपनी ने नहीं बताया, सिर्फ अपने इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह बता देंगे थोड़े बहुत। तो शायद ये आपका Redmi Note 8 Pro हो सकता है जो कि 7 अगस्त को होने वाला है। तो ये Realme से पहले करना चाहते हैं, तो इसलिए इन्होंने शायद ये लॉन्च इवेंट रखा है या फिर अपना इसका जो शोकेस का इवेंट रखा है। और आपको पता होगा MediaTek ने जो है वो अपने नए प्रोसेसर लॉन्च करे हैं, जो कि जिनका नाम है MediaTek Helio G90 और G90T। तो ये जो प्रोसेसर है ये शायद आपको Realme 5 Pro या फिर Redmi Note 8 Pro में मिल सकता है, क्योंकि जो MediaTek है उसने ये कन्फर्म करा था कि हम सबसे पहले ये जो प्रोसेसर है वो Redmi लेकर आएगा। और Xiaomi ने भी ट्विटर पर ट्वीट करा था कि हम Redmi सीरीज में ये फ़ोन लेकर आएंगे, उन्होंने क्लियरली लिखा था कि Redmi में ये फ़ोन आएगा। तो ये प्रोसेसर जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, जो कि स्नैपड्रैगन 730 को टक्कर देता है। स्नैपड्रैगन 730 जो है वो आपको Redmi K20 में मिलता है, जो कि आपका 22,000 से स्टार्टिंग होती है इंडिया में। तो ऐसा इस प्रोसेसर शायद आपको Redmi Note 8 Pro में मिल सकता है, और ये आपको Realme 5 Pro में भी मिल सकता है। इन दोनों में से किसी एक फ़ोन में आपको ये प्रोसेसर मिल सकता है, और शायद दोनों ही फ़ोन में ये प्रोसेसर मिल जाए। तो भाई कैमरे भी लगभग सिमिलर होने वाले हैं, प्रोसेसर भी लगभग सिमिलर हो जाएंगे, तो आपस में काफ़ी टफ कंपटीशन देने वाले दोनों फ़ोन। तो कौन से फ़ोन में प्रोसेसर मिल सकता है आप नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। और भाई इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ दे दी है तो वीडियो को लाइक करना बनता है। और अगली न्यूज़ की बात करूँ वो है MIUI 11 की तरफ से। तो MIUI 11 बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको कम एड्स दिखेंगे। एड्स हटाए नहीं जा रहे, लेकिन आपको एड्स जो है वो कम दिखेंगे, लेकिन जो भी एड्स दिखेंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे, मतलब आपके अच्छे के लिए होंगे, मतलब जो आपके फ़ोन में आप जो कुछ करते हैं उसी से रिलेटेड दिखाए जाएंगे, आपके इंटरेस्ट के बेस पर दिखाए जाएंगे, और एड्स जो है वो थोड़े कम कर दिए जाएंगे। लेकिन MIUI 11 में अभी लगभग थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, एक या फिर दो महीने में इसकी और इसका UI वगैरह जो है वो पता चल जाएगा। मैं जो भी पता चलेगा इसके लॉन्च डेट वगैरह कुछ भी पता चलेगा मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। और अगली न्यूज़ है Redmi K20 के बारे में। तो Redmi K20 से रिलेटेड ट्विटर पे एक ट्वीट करा गया था ऑफिशियल अकाउंट से, जिसमें बताया था कि Redmi K20 सीरीज से रिलेटेड कोई बिग अनाउंसमेंट होने वाली है। तो वो अनाउंसमेंट जो है वो हो सकती है इसकी प्राइस कट।
तो Redmi K20 की प्राइस जो है वो कम करने के लिए पिटिशन साइन हो रहे थे। तो इस तरह से शायद इसका जो प्राइस है वो कम हो सकता है, क्योंकि चाइना में ये लगभग आपको 20,000 रुपीज़ से की स्टार्टिंग होती है Redmi K20 की, और K20 Pro का भी प्राइस जो है वो डाउन कर दिया क्योंकि शायद लगभग 23,000 से स्टार्टिंग होती है चाइना में। तो शायद आपको प्राइस ड्रॉप मिल सकता है, या फिर इसका व्हाइट कलर का वेरियंट मिल सकता है क्योंकि चाइना में इसका व्हाइट कलर जो है वो लॉन्च हो चुका है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और मैंने कम्युनिटी टैब में भी इसको पहले पोस्ट कर दिया था। तो शायद व्हाइट कलर भी हो सकता है, और शायद इसके लिए गेम पैड भी लॉन्च हो सकता है जो कि चाइना में भी फिलहाल लॉन्च हुआ है, जो कि 1,000 रुपीज़ और शायद 1,800 रुपीज़ में लॉन्च हुआ है। तो शायद गेम पैड भी लॉन्च हो सकता है, या फिर ये ओपन सेल में भी जा सकता है। तो क्या सरप्राइज मिलने वाला है Redmi K20 से बारे में, केस से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। और अगली न्यूज़ है वो है YouTube की तरफ से। तो YouTube में आपको बहुत जल्द एक नया फीचर मिल जाएगा जो कि सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए होगा। अगर आप लाइव करते हैं स्क्रीन को तो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करनी नहीं पड़ेगी, आप ऑफिशियली यूट्यूब के एप्लीकेशन से ही अपनी स्क्रीन को जो है वो लाइव कर सकते हैं, स्क्रीन को जो है वो कास्ट कर सकते हैं, जो कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते थे, जो कि ये फीचर आपको पहले यूट्यूब गेमिंग गेम वाला जो था यूट्यूब गेम उसमें ये फीचर मिलता था, लेकिन अब ये ऑफिशियल ऐप में आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और अगले न्यूज़ है OnePlus 7T और OnePlus 7T Pro के बारे में। तो OnePlus 7T और 7T Pro का इसमें लाइव इमेजेस जो है वो लीक हुई है, जो कि लगभग OnePlus 7T जैसा ही लग रहा है, सॉरी OnePlus 7 जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये टी वेरिएंट है, ऐसा स्लैश लीक जो है वो टिप्सटर है जिन्होंने ये फोटो लीक करा है। तो ये शायद ओरिजिनल हो भी सकता है, फिर फेक भी हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी ट्रस्टेड सोर्सेज से मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो शायद ये OnePlus 7T या फिर 7T Pro हो सकता है। इसके जो बेजल्स है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो एक केस में बंद कर रखा है, क्योंकि कंपनी जो है वो अपना डिज़ाइन लीक नहीं करना चाहती है, इसलिए वो फ्रेम में रखती है, तो इसलिए आपको क्लियरली डिज़ाइन नहीं दिख रहा होगा। लेकिन इसमें ये तो क्लियर है, इसमें आपको कोई भी नोच नहीं है, तो शायद आपको OnePlus 7T में भी आपको नोच नहीं मिलेगी क्योंकि OnePlus 7 में आपको नोच मिलती है। तो शायद ये 33,000 रुपीस में आपको नोच लेस डिस्प्ले मिल सकती है। तो आप बताना ये फोटो ओरिजिनल है या फिर नहीं, आपको क्या लगता है। और अगली न्यूज़ है वो है Samsung की तरफ से। तो Samsung Note 10 जो है वो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला, आपको भी पता होगा, उसका डिज़ाइन भी आपको पता होगा, सामने से कुछ ऐसा दिखता है डॉट, इसमें आपको पंच होल इसमें कैमरा मिलता है जो कि बीच में है, लेकिन इसका जो बैक का है डिज़ाइन वो लीक हो चुका है, जो कि लगभग कन्फर्म्ड ही है क्योंकि इसका जो केस है वो लीक हुए थे, और केस की वजह से इसका जो बैक का डिज़ाइन है वो लीक हो रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है Samsung Note 10 Plus जो है उसमें आपको क्वेड कैमरा दिख रहा है, जो कि इसका फोर्थ कैमरा जो है वो काफ़ी छोटा सा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है और काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन है। तो ये कुछ फोटोज़ जो है वो लीक हुए थे इसके केस के। और अगली न्यूज़ है WhatsApp की तरफ से। तो WhatsApp के कुछ अपकमिंग फीचर्स आने वाले हैं, अपकमिंग फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ, जो कि पहला फीचर है मल्टीपल फोन्स विद सिंगल अकाउंट। तो आप अपने अकाउंट को मल्टीपल फोन्स में यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मतलब दोबारा से आपको अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, मतलब एक नंबर से आप दो तीन फोन में उस व्हाट्सएप को यूज़ कर पाएंगे। और अगला फीचर जो है वो है फ्रिक्वेंटली फॉरवर्ड। तो आपको पता होगा जब फॉरवर्ड करते हैं मैसेज तो ऊपर फॉरवर्डेड लिखा आ जाता है, लेकिन अगर वो फ्रिक्वेंटली फॉरवर्डेड होगा, मतलब कई बार आपका ये फॉरवर्ड करा गया होगा मैसेज लगभग 5 से ज़्यादा बार, तो उसमें आपको डबल फॉरवर्ड का निशान दिख जाएगा, तो वो साइन से आपको पता चल जाएगा ये बहुत बार फॉरवर्ड करा गया है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कुछ मैसेज आया है तो ये बहुत पहले से फॉरवर्ड होता हुआ आ रहा है या फिर ओरिजिनली अभी आपको भेजा गया है। और थर्ड है वो है वॉइस मैसेज का प्रीव्यू। तो अब आप कोई वॉइस मैसेज भेजते हैं तो वो डायरेक्टली सेंड हो जाएगा, लेकिन आपको अपकमिंग फीचर में ये अपकमिंग अपडेट में फीचर मिल जाएगा कि आप इसको प्रीव्यू कर पाएंगे। जैसे आप फोटो कैप्चर करके किसी को भेजते हैं, वो उससे पहले आपको शो करता है कैसा फोटो आया है, आपको सेंड करना है फिर नहीं करना है, इस तरह से आपको प्रीव्यू दिखाएगा आपका वॉइस रिकॉर्डर का, मतलब आप जो वॉइस मैसेज भेजते हैं उसका प्रीव्यू दिखाएगा कि आपको भेजना है या फिर नहीं भेजना है, फिर आप उसको आगे भेज पाएंगे। और अगला फीचर मिलेगा आपको ग्रुप में ऐड होने के लिए परमिशन। तो आपको कोई भी ऐसी ग्रुप में ऐड कर देता होगा, लेकिन अब जो आपको कोई ग्रुप में ऐड करेगा उसमें आपसे परमिशन लेगा कि आप इसमें ऐड होना चाहते हैं या फिर नहीं होना चाहते, और सेटिंग्स में भी आपको ऑप्शंस मिल जाएगा इससे एडजस्ट करने के लिए, सेटिंग्स वगैरह चेंज करने के लिए। और लास्ट फीचर जो है वो है डार्क मोड। तो बहुत जल्द आपको डार्क मोड भी मिल जाएगा व्हाट्सएप में, क्योंकि बहुत पहले से टेस्टिंग में चल रहा है और आईफोन में भी पहले से टेस्टिंग चल रहा था, लेकिन अभी ये ऑफिशियली कहीं भी नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द ऑफिशियली व्हाट्सएप में भी आपको डार्क मोड मिल जाएगा। तो फिलहाल ये सब न्यूज़ थी, आपको कैसे लगी है नीचे कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और आगे भी देखनी है न्यूज़ तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो इधर कुछ वीडियोस दिख रही होगी आपको, ये पसंद आती है तो इनको भी आप देख सकते हैं।